गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनी मनी गौशिप। और आज है संडे, होलिका दहन आज और कल है होली। तो आप लोगों को एडवांस में मैं होली की शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को जोड़ करके रखता है, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम है आपका, यूट्यूब है, मौज है, काफ़ी सारे ऐप हैं। तो इनसे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप अपने फ्रेंड के साथ मिल के रहते हैं ना, आप जो भी शेयर कर रहे हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ उन्हें पता लगता रहता है। और अगर आप के कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है तो सोशल मीडिया के जरिए वो आप तक पहुँच सकता है। और एक ये भी बात है कि आजकल टैलेंट काफ़ी उभर के आ रहा है, जैसे यूट्यूब पे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं सभी, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई अच्छा फोटोग्राफी करता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा वीडियो बनाता है, कोई कॉमेडियन है, कोई एक्टिंग करता है ना। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ये फ़ायदा होता है लोगों को कि अपना टैलेंट वो दिखा सकते हैं, है ना, ऑनलाइन बिना कुछ पे किए हुए, है बिना कुछ किसी के सामने आप जा करके आपको दिखाना नहीं पड़ रहा, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है ना। तो ये फ़ायदा काफ़ी लोग उठा भी रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिनके पास जो भी टैलेंट है वो अपना बिल्कुल आप ऑनलाइन आप दिखा सकते हो। उससे क्या है कि आपके फैंस ऑटोमेटिक बन जाते हैं ना, कोई आपको बॉलीवुड हॉलीवुड में कुछ ट्राई करने के लिए जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इससे फ़ायदा भी है लोगों को, है ना। अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है जो लोगों को पसंद आ रहा है तो उसे आप शो कर रहे हो, मतलब दिखा रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, वो क्या है, उससे आपकी इनकम भी हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा हर एक किसी न किसी को है। कुछ लोग लाइक भी करते हैं, कुछ लोग अनलाइक भी करते हैं ना, तो ये तो नेचुरल है कि निगेटिव पॉजिटिव सभी जगह होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों में कुछ टैलेंट है तो आप भी शो कर सकते हो, आप भी दिखा सकते हो, है ना। और ये है कि आप काम के साथ साथ अगर ये सब कर रहे हो तो आपको वो मिलता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाता है अपना, कुछ टाइम एक्सपेंड करने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, आप कुछ करके दिखा रहे हो। तो मैंने अभी शुरू किया है, तो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, कुछ लाइक है, कुछ अनलाइक है, कुछ ही फॉलोअर्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। कुछ लोगों को ख़राब लगता है कि ये क्या कर रहा है, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या ये सब करने के लिए, काफ़ी कमेंट भी आते हैं मेरे पास ना। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि आपके अगर अंदर कुछ टैलेंट है या आप कुछ दिखाना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो अभी, तो आप लोग भी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें, थोड़ा सा सपोर्ट भी करें। और बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग होली ठीक से मनाएंगे। यहाँ पे मैं तो मोहाली चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। संडे आज तो मॉल्स बंद है, थोड़ा सा लॉकडाउन भी है, यहाँ पे नाइट लॉकडाउन भी लग रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग होली भी मनाएं, तो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखें कोरोना से। और जहाँ पे कोरोना नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जहाँ पे कोरोना है तो आपके लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप अगर होली इंजॉय करना चाहते हो तो सेफ्टी के बारे में सबसे पहले आप ध्यान रखें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे लोगों से। आज मिलते रहूँगा, आज तो संडे एक्चुअली मॉर्निंग टाइम है, तो चलते हैं फ्रेश होने के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। और आप लोग भी इंजॉय करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सपोर्ट के लिए जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, आपको आपके बारे में गलत बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना और पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आ गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने लाइक किया है ना, कुछ लोग कुछ सिखाते भी है, कुछ गलत बोल के तू क्या कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे कर, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ऐसा कुछ हो गया है कि मुझे भी अब ऑनलाइन रहना बहुत पसंद है।
ठीक है, मैं अपनी फोटो शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मुझे ये सब भी लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे मेरी जो वाइफ है ठीक है उसने भी ये शुरू किया और मुझे भी लगता था कि वो क्या कर रही है, क्या क्यों कर रही है ना, बट अब मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उसे सपोर्ट करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके आसपास जो लोग भी ये कर रहे हैं या कुछ ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप थोड़ा सा हेल्प ही करें, ना कि उन्हें कुछ गलत बोलें या कुछ भी। क्योंकि मैंने ये देखा है मेरी फैमिली में भी, है ना, मेरी फैमिली में जो मेरी सिस्टर है और हस्बैंड है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को ठीक है, बट आप लोग, कुछ लोगों को पता भी है, तो वो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े रहें और उनके काफ़ी सारे फैंस हैं, है ना, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन भी करते हैं बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ही क्यूट कपल भी हैं वो दोनों। तो जब मैं उनसे मिलूँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा थोड़ा सा, है ना, कि कौन है वो। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जो घर में उनके फादर मदर, उनके ब्रदर जो भी हैं उनके आसपास, वो लोग सपोर्ट बहुत करते हैं उनको, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है, टाइम के साथ, अभी सोशल मीडिया है तो आदमी तो एक्टिव रहेगा ना, पहले नहीं था तो एक्टिव नहीं थे, पहले फ़ोन्स नहीं थे, पहले कैमरे नहीं थे, है ना, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो अब कलर आया, डिश आया, पता नहीं क्या क्या आया ना, तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। तो होता है कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, बट आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप ज़रूर उसे दिखाएं, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि मेरे अंदर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो आज की वीडियो में और भी हो सकता है, सुबह सुबह के लिए अभी इतना ही, और मिलवाऊँगा आप लोगों से अपनी वाइफ अंजलि से भी, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिएगा हमारे साथ, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और जिसे अच्छा ना लगे वो अनलाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमें पता लगे कि कितने लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो थैंक यू सो मच।